मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा, मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के, जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते।